नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। शिवसेना के बुरे दिन उस दिन शुरू हो गए थे जिस दिन एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर ली थी और अपने साथ विधायकों को लेकर भी चले गए थे। फिर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से उनकी सत्ता की कुर्सी भी छीन ली और अब एक बार फिर से शिवसेना और उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बातें ये चल रही है कि अब विधायकों के बाद सांसद भी शिवसेना छोड़ सकते हैं, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये दावा बीजेपी के एक बड़े नेता ने किया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना के संसदीय दल में भी समांतर बगावत होगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए राष्ट्रपति पद के मतदान का इंतजार करिए। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 14 सांसद शिवसेना से बगावत कर सकते हैं। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे खुद भी शिवसेना के सांसद हैं और वो पहले ही अपने पिता के साथ शिवसेना से अलग हो चुके हैं। बीजेपी नेता ने एबीपी से बात करते हुए बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के दिन कम से कम 14 सांसद शिवसेना के रुख से अलग एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। साथ ही इसके ये सांसद शिवसेना से अलग होने का ऐलान भी कर सकते हैं। आपको भी बता दें, फिलहाल शिवसेना के लोकसभा में 19 और राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। और कहा यह जा रहा है कि शिवसेना के 14 सांसद इस समय एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो ये सब शिवसेना पर कब्जा करने के लिए हो रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये दावा कर चुके हैं कि जो विधायक है वो उनके समर्थन में, इसलिए पार्टी उनकी है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी चुप नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, इसलिए वो उत्तराधिकारी है। तो यहां दिख रहा है कि अब पार्टी की लड़ाई शुरू होने वाली है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने बयान जारी करते हुए ये भी कहा है कि शिंदे अब शिवसेना के नेता नहीं है, उन पर पार्टी से बगावत करने का आरोप है। पार्टी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि शिवसेना पक्ष प्रमुख के रूप में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आपको पार्टी संगठन में शिवसेना के पद से हटाता हूँ। दूसरी तरफ शिंदे ने भी ये दावा किया है कि वो शिवसेना के नेता है और ठाकरे खेमा अल्पसंख्यक है। उन्होंने कभी खुद को पार्टी प्रमुख नहीं कहा। उद्धव ठाकरे तकनीकी रूप से अभी भी पार्टी प्रमुख है। दूसरी तरफ कुछ शिवसेना सांसद ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को अपने बीच के मतभेद दूर करने चाहिए। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आगे शिवसेना में क्या कुछ भूचाल आता है, क्या कुछ भूचाल देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।